तब्बू और अजय देवगन की लव स्टोरी के बारे में हर कोई जानता है। भले ही इनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन बड़े पर्दे पे दर्शकों को आज भी इनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आती है। दोनों ने एक साथ इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर तब्बू फिल्मी दुनिया में कैसे आई और फ्लॉप फिल्म से डेब्यू करने वाली तब्बू इतनी बड़ी सुपरस्टार कैसे बन गई? आज की वीडियो इसी मसले पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तबस्सुम फातिमा हाशमी, जिन्हें तब्बू के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में जन्मी तब्बू का करियर संघर्ष, समर्पण और उत्कृष्टता का प्रतीक है। उन्होंने अपनी बहन और परिवार से प्रेरणा लेकर अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। जहां कुछ लोगों को हिट फिल्म से सफलता मिलती है, तो वहीं तब्बू की किस्मत फ्लॉप फिल्म से चमकी। दरअसल तब्बू एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनकी बड़ी बहन फरानाज 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी। फरा को देखकर ही तब्बू को एक्टिंग का शौक हुआ। इसके अलावा तब्बू मशहूर अभिनेत्री सबाना आजमी की भतीजी हैं, जिससे उनके फिल्मी बैकग्राउंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। तब्बू की पहली फिल्म तेलुगु थी। उन्होंने साउथ सुपरस्टार वेंकटेश के साथ फिल्म कुली नंबर 1 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म पहला पहला प्यार थी, जो 1994 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। फिल्म तो फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के बाद तब्बू का करियर काफी आगे बढ़ गया। मिडडे को दिए एक इंटरव्यू में तब्बू ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा, हम गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए दादी के घर जाते थे, क्योंकि मेरे माँ के बड़े भाई ईशान आर्य सिनेमेटोग्राफर थे। उन्होंने फिल्म गरम हवा और फिल्म बाजार की शूटिंग की थी। मैं उनके बेटों समीर और सागर के साथ बड़ी हुई। हम भाई बहन की तरह थे। एक बार मैं और मेरी बहन फरा देवानंद साहब के ऑफिस में थे, जहां वो स्क्रीन टेस्ट ले रहे थे। क्योंकि उन्हें लगा कि वह बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए उन्होंने उनका भी स्क्रीन टेस्ट लिया। तब्बू ने आगे बताया, एक दिन हमें यश चोपड़ा का फोन आया। उन्होंने मेरी माँ को फिल्म फासले में मेरी बहन को कास्ट करने की इच्छा के बारे में बताया। चूंकि देव साहब ने उन्हें अपना स्क्रीन टेस्ट दिखाया था, मेरी माँ को नहीं पता था कि यश चोपड़ा कौन है। उन्होंने मेरी चाची यानी शबाना से पूछा। हर कोई वास्तव में उत्साहित था। इस तरह मेरी बहन और माँ बॉम्बे आ गईं। मुझे हैदराबाद और अपने स्कूल बहुत पसंद था, इसलिए मैं 3 सालों तक अपनी चाची के साथ वहीं रही। तब तक मेरी बहन कई फिल्में कर चुकी थी और एक बड़ी स्टार बन गई थी, और मेरी बहन की वजह से फिल्मों में मेरी रुचि बढ़ी और मैंने भी फिल्मों में अभिनय करने में रुचि दिखाई। तब्बू ने आगे कहा, शेखर कपूर ने मुझे देखा और कहा कि मुझे उनकी फिल्म प्रेम में डेब्यू करना है, जिसे मैंने मना कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं सिर्फ एक फिल्म करूं और फिर वह मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेज देंगे, जो कभी नहीं हुआ। मैंने फिल्म की, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया। आपको बता दें कि फिल्म पहला पहला प्यार की असफलता के बावजूद तब्बू ने हार नहीं मानी। 1994 में अजय देवगन के साथ फिल्म विजयपथ में उनकी भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद 1996 में फिल्म माचिस में उनके अभिनय को सराहा गया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तब्बू आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं और अभी तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं। आपको तब्बू की एक्टिंग कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।